दोस्तों, आज की वीडियो में एंगेजमेंट एड क्रिएशन हम लोग सीखेंगे। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को एड की तरफ ले जाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आप बेसिक सीख जाओगे सही से तो जब आप और ऊपर जाओगे और एक्सपर्ट लेवल पे हाई लेवल पे जाओगे तो वो आपको इजी समझ में आएगा। बट एक होमवर्क है जो आपको करना है। लेट्स गो। सो माय नेम इज टीए एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करो, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है बहुत ज्यादा वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेल का आइकन भी प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक करो ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करे और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस मैं लेकर आऊं। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करता है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन, थम्स अप लाइक बटन, क्लिक नाउ। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि फेसबुक एंगेजमेंट एड क्रिएशन में आपको आज बताने वाला हूं, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपको एक होमवर्क देने वाला हूं मैं आज। आपको साथ साथ में ये चीज करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप एक अच्छा खासा फेसबुक एड ड्राइव नहीं कर पाओगे। एक्सपर्ट लेवल बहुत दूर की बात है, आप एक अच्छा खासा फेसबुक एड ही ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि आपको लिखा है कि पेन प्रॉब्लम डिजायर हैप्पी, ठीक है, हैप्पीनेस, ओके। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक एड में होती हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा इमेज, एक ऐसा वर्डिंग, एक ऐसा ट्रिगर वर्ड कि जो आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, कस्टमर हैं, उनके माइंड में जाके ट्रिगर करे ताकि वो आपकी चीजें बाय करें या आपका जो भी चीज है उसमें कन्वर्ट हो, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि मान लो अगर आपका नीश जो है वो हेल्थ है, तो आप हेल्थ के ग्रुप्स में जाओ फेसबुक में, और हेल्थ के आर्टिकल्स पे जाओ, ब्लॉग्स पढ़ो लोगों के, और क्वेरा पे जाओ। क्वेरा के बारे में भी लोगों को पता होगा, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक लोग अपना अपना आर्टिकल लिखते हैं, अपनी अपनी चीजों के बारे में लिखते हैं। तो अगर आपका नीश जो है वो हेल्थ है, तो हेल्थ से रिलेटेड इन सारी चीजों में आप जाओ और पता करो कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बारे में लोग क्या क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, किस तरह की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और उसको देखते हुए अपना पेनफुल, प्रॉब्लम सॉल्व, डिजायरफुल और हैप्पीनेस, मतलब ये सारी चीजें आपके पोस्ट में, आपके कैंपेन में कवर होनी चाहिए। ऐसा एक एड तैयार करना है आपको आज के आज। अब टॉपिक आपको खुद सिलेक्ट करना है और समझना आपको खुद है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि क्रिएशन, राइट, एंगेजमेंट एड क्रिएशन आपको बेसिक लेवल का आज मैं बताने वाला हूं। और ये जो आप करोगे ना, ये जो बनाओगे एड्स बनाओगे, कस्टम एड, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, तो जैसे पूरा आप एड बनाओगे, इसको बना के हम लोग का जो फेसबुक ग्रुप है उसमें डालो प्लीज। अगर आप सीरियस हो इस चीज को तो साथ साथ मेरे चलो और बनाने के बाद एक अच्छा खासा एड बनाओ और वहां पर डालो। मैं देखूंगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या आपको बताया जा सकता है, ठीक है। इससे मैं आपको और क्लियर कट बताऊंगा और भी, और हम लोग अच्छे से रिसॉल्व कर पाएंगे सारे प्रॉब्लम्स को जो फेसबुक एड क्रिएशन में आती है। तो मेक श्योर ये आप जरूर करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करो। अब यहां पर आके गाइस, अब मैं जैसे कि कहा कि आज हम लोग करेंगे क्रिएट एक एड, ताकि आप लोग धीरे धीरे एड क्रिएट करना स्टार्ट करो, राइट। तो हम लोग एक एड क्रिएट करेंगे। तो यहां पर एक एड अकाउंट है मेरे पास, आई थिंक जो सस्पेंड हो चुका है, ओके। सो यहां पर आपको दिख रहा होगा तीन चीज, इधर है कैंपेन, एड सेट और एड। तो यहां पर जो है, यहाँ पर देखो इंगेजमेंट लिखा है, तो इसके थ्रू आज हम लोग अपना एक एड क्रिएट करेंगे, राइट। तो जैसे आप इंगेजमेंट में क्लिक करते हो, यहाँ आपको तीन चीजें मिलती हैं। कितनी चीजें? तीन चीजें। तो वो तीन चीजें हैं गाइस, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। पोस्ट इंगेजमेंट क्या होता है, जैसे कि आप कोई पोस्ट प्रमोट करते हो, उसको लोग लाइक करते हैं, उसके नीचे कमेंट करते हैं, तो वैसी अगर आपको ऐड चलानी है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, पोस्ट इंगेजमेंट पे। अगर आपको पेज लाइक्स के लिए ऐड चलाना है, मतलब आपका कोई पेज है, जैसे कि आज आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ऑन फेसबुक ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, ठीक है, बहुत चीप, मतलब बहुत बेकार इस टाइम है ऑर्गेनिक ग्रोथ, बहुत बेकार, मतलब एकदम रेयर, मतलब बहुत बेकार ही चल रही है, आपका लाइक और कमेंट आना ही नहीं है, इस टाइप का ऑर्गेनिक ग्रोथ है इस समय, ऑलमोस्ट डेड यू कैन से, राइट। अगर आपको पेज लाइक्स बढ़ाना है तो आप ये ऑप्शन का यूज करोगे। और इवेंट रिस्पॉन्स, मतलब आप कोई इवेंट करा रहे हो उसके बारे में लोगों को बताना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को चूज करोगे, ओके। तो हम लोग आज चूज करने वाले हैं पेज लाइक ऑप्शन को। पेज लाइक ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे और कैंपेन का नाम हम लोग लिखेंगे अवेयरनेस, अवेयरनेस,
अवेयरनेस। अब ये देखो क्या है, क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगा एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बोल सकता हूँ आई थिंक एक टॉपिक है। और नीचे जो है वो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी बात की थी पार्ट 7 में, ये पार्ट 8 है हमारा फेसबुक एड्स का। तो ये जो दोनों चीजें हैं इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, इसको अभी ऑफ ही रहने देते हैं। और जो दूसरा है, सॉरी, वो चीज मैं आपको कल बता चुका हूँ। तो ये जो चीज है वन जो ऊपर है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप आगे जाओगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ तो बेसिक के साथ लेके चलूंगा। तो अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए पेज लाइक्स का एड रन करना है तो आपको ऐसे रन करना है जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप कैंपेन लेवल के बाद जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हो उसको बोलते हैं एड सेट नेम लेवल, ठीक है। जैसे एड सेट का लेवल आ जाता है तो यहाँ पर आपको एक एड सेट का नाम देना पड़ेगा। लाइक हम लोग प्रमोट करते हैं, लेट्स प्रमोट टी शर्ट्स, राइट, टी शर्ट्स प्रमोट करते हैं, चलो टी शर्ट्स। तो यहाँ आप टी शर्ट्स एड सेट का नाम दे दोगे टी शर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद आपको एक पेज सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक पेज सिलेक्ट किया, एक मेरा बनाया हुआ पेज है पुराना, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद आपके पास ऑडियंस, ऑडियंस का ऑप्शन आता है। ऑडियंस में आपको दो ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है क्रिएट न्यू ऑडियंस, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है यूज सेव्ड ऑडियंस। जब आपने, मतलब आपने अभी तक कुछ प्रमोट ही नहीं किया तो आपके पास सेव्ड ऑडियंस होगी ही नहीं, राइट। यहाँ मेरे पास है क्योंकि ये अकाउंट का मैं बहुत पहले यूज करता था, अभी ये सस्पेंडेड है, बैन है, बट यहाँ पर मेरे पास कुछ सेव्ड ऑडियंस है। बट जब आप यूज करने जाओगे तब आपके पास कोई भी सेव्ड ऑडियंस नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कौन सा चूज करना है, आपको चूज करना है क्रिएट न्यू ऑडियंस, राइट। अब क्रिएट न्यू ऑडियंस के बाद जो नीचे एक आ रहा है उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस, वो भी आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, लोकेशन। लोकेशन में आपको क्या सिलेक्ट करना है, देखो एवरीवन इन दिस लोकेशन, किस लोकेशन में, इंडिया अभी हम लोगों ने सिलेक्ट किया इसलिए दिखा रहा है एवरीवन, ठीक है। अगर मान लो इंडिया के अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ मुंबई, राइट, मुंबई महाराष्ट्र, तो अब क्या बोल रहा है, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, क्या आप उनको ही दिखाना चाहते हो जो इस लोकेशन में रहते हैं, कि आप उनको दिखाना चाहते हो जो इस लोकेशन में अभी है, भले से वो कहीं और रहते हो लेकिन अभी वो मुंबई गए हुए हैं, उनको आप दिखाना चाहते हो। फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब जो लोग रिसेंटली थे इस लोकेशन में और अभी नहीं है उनको, ठीक है। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है पीपल्स ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, मतलब जो लोग बाहर से यहाँ पर ट्रेवल करने घूमने घामने गए, क्या आप उनको दिखाना चाहते हो। तो ऐसे करके आपके पास चार ऑप्शन आती है। तो हम सिलेक्ट करेंगे एवरीवन इन दिस लोकेशन, राइट। हम लोगों ने सिलेक्ट किया है इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र, ओके। देन उसके बाद जैसे कि हम लोग प्रमोट क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं टी-शर्ट। तो टी-शर्ट अगर आप कॉमन सेंस सोचो, ऐसे ही कौन लोग पहनते हैं, वो लोग पहनते हैं जो मोस्टली यंग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं 16 और 16 टू आई थिंक 25 इज इनफ, तो 25, ओके। ये मैं कोई भी टूल का, कोई भी टूल्स का यूज करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ कि 25 तक आई थिंक लोग टी शर्ट पहनते हैं, उसके बाद बहुत कम लोग हैं जो ऐसा टी शर्ट ड्रेस पहनते हैं, ओके। तो 16 to 24, अब हम लोग जो टी शर्ट बेच रहे हैं क्या वो मेन के लिए, वुमेन के लिए, यहाँ जेंडर का एक ऑप्शन आता है, तो आप उसको ऑल में सिलेक्ट करो। अगर आप सबके लिए बेच रहे हो, अगर आप सिर्फ मेन के लिए बेच रहे हो तो मेन को सिलेक्ट करो, वुमेन के लिए बेच रहे हो सिर्फ वुमेन के लिए सिलेक्ट करो। अब उसके बाद आता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप चाहो तो आप हर तरह की लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हो, अगर चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज को, चाहो तो हिंदी लैंग्वेज को, चाहो तो मराठी, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, जो आप चाहो उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। बट हम टारगेट करेंगे हिंदी, और जो सेकेंड लैंग्वेज टारगेट करेंगे वो हम टारगेट करेंगे इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हम लोग एक पेज प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अब पेज हम लोगों ने तो ले लिया है कि टी शर्ट का, राइट। बट अगर हम लोग ऐसे ही कोई सा पेज प्रमोट कर रहे हैं, लाइक कोई कॉमेडी पेज है और वहां टी शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो कॉमेडी पेज है वहां हम लोग हिंदी इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, अलग अलग केसेस में अलग अलग लैंग्वेज, और आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग मतलब आप किस एक तबके को टारगेट करना चाहते हो, राइट। तो अगर अभी हम लोग टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो मान लो मैं ईबे को टारगेट करता हूँ, ईबे एक ब्रांड है, ईबे पे जो लोग जाते हैं मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। चलो ईबे नहीं है, ईबे है, ओके। तो मैं ईबे को टारगेट करता हूँ,
तो ईबे क्या हो गया, ईबे में जो लोग मतलब ईबे जो ब्रांड है उस पे जितने लोग जाते हैं, जितने लोग वहां से बाय करते हैं, उनको मेरी एड दिखेगी। अब मैंने ईबे को क्यों टारगेट किया, ईबे को मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि ईबे भी ऐसी चीजें बेचता है, कपड़े वपड़े, वो भी ये भी ई कॉमर्स है, राइट। और मैं भी क्या बेचने वाला हूँ, मैं भी टी शर्ट बेचने वाला हूँ। ईबे को भी उतना ज्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड नहीं माना जाता है इंडिया में, और जो आपका पेज है वो भी इतना ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। ट्रस्टेबल है आपकी तरफ से, ट्रस्टेबल है, बट ऑडियंस जो है, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं लेंगे, राइट। तो ईबे और जो ऑडियंस आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर है, इसलिए हम लोग ईबे को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ आप और भी लोगों को, और भी अलग अलग ब्रांड को, और जो फेमस लोग हैं उनको टारगेट कर सकते हो इन डिटेल टारगेटिंग। मैं सिर्फ यहाँ पर ईबे को टारगेट कर रहा हूँ, ओके। फिर उसके बाद नीचे आप जब जाओगे तो फेसबुक पेज, हाँ भाई हमें फेसबुक पेज पे ही चलाना है, ठीक है। कनेक्शन आपका कट कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा एक कनेक्शन दिखा रहा है एक पेज का, तो हम फेसबुक पेज पे रन करेंगे, सॉरी फेसबुक पे हम ऐड रन करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पे अगर आप एडिट प्लेसमेंट पे जाते हो तो मैंने जो आपको कल बताया था कि यहाँ पर चार चीज की फैसिलिटी आपके पास, आप अभी फेसबुक पे रन करना चाहते हो इसलिए ये फेसबुक पे टिक कर दिया है, बाकी इंस्टाग्राम मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को ये बंद कर दिया है। इस चीज के बारे में मैंने डिटेल में कल बात की थी, तो आप पिछली वीडियो में अगर देखे होगे तो आपको पता होगा, ओके। तो यहाँ पर प्लेसमेंट हो चुका है। फिर उसके बाद एक सेक्शन आता है बजट का सेक्शन। अब बजट के सेक्शन में क्या होता है कि आपको भाई डेली बजट कितना है, ठीक है, डेली बजट आपका कितना है, तो हम सेट कर देते हैं, चलो भाई 100 रुपए हमारा डेली बजट है। कितना रुपए? 100 रुपए। तो ये आपको बता रहा है भाई अगर आप एक वीक इस एड को चलाते हो तो आपका 826 रुपए होता है विथ GST, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा ये टोटल दे देगा कि अगर आप 7 दिन इसको चलाते हो। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप चार्ज किस चीज का होना चाहोगे, इंप्रेशन का चार्ज करना चाहोगे या पेज लाइक का। इंप्रेशन और पेज लाइक दोनों में से आप किसी को भी चूज करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि भाई आप एड को शेड्यूल करना चाहते हो क्या, यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया था ऊपर में, सॉरी मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पर सेट स्टार्ट एंड एंड डेट, मतलब आप सेट कर सकते हो कि कब आपको ये एड स्टार्ट करनी है, कितने बजे स्टार्ट करनी है और कितने बजे एंड करनी है। उसके बाद एक बार और नीचे में आपसे पूछता है ये कि भाई कितने टाइम आपको एड रन करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे को ऑप्शन आ जाएगा, आई डोंट नो यहाँ क्यों नहीं दे रहा, आई थिंक ये अकाउंट सस्पेंडेड है इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, जैसे अगर आप में भी देगा ये ऑप्शन, ठीक है, तो आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन देगा कि भाई आपको कितने बजे से कितने बजे तक ये एड रन करनी है, अगर आप चाहो तो वो भी यहाँ पर फिट कर सकते हो। उसके बाद डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड ही आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम ऐड पे आ जाएंगे। कंटिन्यू पे जैसे आपको क्लिक करोगे आप ऐड पे आ जाओगे। अब ऐड में आपको दिखाना है कि सॉरी आपको लगाना है कि आप ऐड कैसा शो करना चाहते हो, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है आगे। सो दोस्तों जैसे आप इस सेक्शन में आओगे तो आपको एड नेम सबसे पहले पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एड नेम देना है। उसके बाद आपका पेज पूछा जाएगा, अगर आप चाहो तो पेज को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर इमेज लगाने के लिए बोलेगा, देखो यहाँ पर इमेज एड इमेज का ऑप्शन आएगा मीडिया में, देखो यहाँ पर मीडिया दिखा रहा है ना, और यहाँ एड इमेज, तो एड इमेज पे मैंने यहाँ पर एक तो इमेज सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ बहुत सारे इमेज पहले से पड़े हुए थे, तो मैंने एक टी शर्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछता है भाई यहाँ पर कुछ लिखो, यहाँ पर हेडिंग दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया है, दिस पेज इज ऑल अबाउट क्रिकेट एंड IPL मैचेस ऑफ 2018, सॉरी मैंने ये एड 2018 में रन किया था, 2019 और फॉलो क्रिकेट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपको लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं टी शर्ट जो सेल कर रहा हूँ क्रिकेट के रिलेटेड भी सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो अपन इमेज डाले हैं वो जिम के रिलेटेड है ना, लेकिन मैं टी शर्ट जो है वो क्रिकेट के रिलेटेड सेल कर रहा हूँ, ऐसा मैं यहाँ हेडलाइन में बताना चाहता हूँ। जिम भी मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने बस ऐसे ही डाल दिया, आपको सही से डालना है कि हमारी वीडियो जो है वो जल्दी बन जाए। फिर उसके बाद देखो अगर आपका फेसबुक पिक्सल ऑन है, अगर आपने अपने पेज में लगाया हुआ है जो आपका लैंडिंग पेज है तो इट्स ओके, वरना आप इसको ऐसे ही रहन दो, ठीक है। यहाँ पर आपका पेज का वेबसाइट आएगा, यहाँ पर आपका पेज लाइक आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि लोग लाइक पे क्लिक करेंगे, लाइक पे क्लिक करेंगे, लाइक होते जाएगा, एंड देन आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये कन्फर्म पे क्लिक होगा आपका ये जो चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एड अकाउंट जो है वो मेरा बैन है,
तो ये बार बार ऐसा दिखा रहा है कि पैसा वैसा भरो भाई, ठीक है। तो जैसे आप कंटिन्यू कंफर्म पे क्लिक करोगे, सो गाइस देखो ये जो है ये हमारा यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ये जो मैं प्रिंटेड टी शर्ट का जो एड का नेम डाला था वो यहाँ पर दिखा रहा है कैंपेन, और उसके बाद यहाँ पर आपका एड सेट दिखाएगा, जो भी आपका एड सेट है। यहाँ मैंने दो एड सेट यूज किया था, तो दो एड सेट यहाँ पर दिखा रहा है, और लास्ट में आपका एड जो आपने एड लगाया है वो एड यहाँ पर दिखाएगा। ये देखो ये अपनी टी शर्ट और ये मेरा एक पुराना है। तो ये जो चीजें ये ऐसे करके दिखाती हैं। चाहो तो आप यहाँ पर एड सेट का संख्या बढ़ा सकते हो, अगर आपको और भी एड सेट अलग यूज करना है तो बस आप यहाँ पर क्लिक करोगे। देखो यहाँ पर डुप्लीकेट इंस्पेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एड अकाउंट बैन है, बस यहाँ डुप्लीकेट एडिट और व्यू चार्ट का ऑप्शन आएगा, डुप्लीकेट करोगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ऐसे ही आप एड में भी अपना नेक्स्ट और भी एड बना सकते हो सेम टू सेम, बस डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और एड को चेंज करना है, हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एड जो सिंपल एड है उसको क्रिएट किया जाता है, और आपको भी अब इसको मतलब यूज में लाना स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये कि अब इसको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो मेरे दोस्तों। आप प्रैक्टिकल करते जाओगे, आप होमवर्क करते जाओ, मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। तो आपका दो काम है आज का, सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा एड बनाना है। मैं यहाँ जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी जल्दी जल्दी बनाना है। अगर आप ये काम करोगे आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा फायदा देगा ये काम, ओके टाइम में आपको ये बहुत फायदा देगा। और दूसरा आपको एक ऐड लगाने की कोशिश करनी है, एक ऐड तैयार करना है, जो भी आप इसमें आज हेल्थ वाले में से ढूंढोगे उसका एक ऐड बनाने का कोशिश करो, पेज ऐड, पेज लाइक ऐड, एंगेजमेंट ऐड, ओके। तो जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करो, पर्सनल है इंस्टाग्राम पे आके पूछो, वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।